समर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी प्रेमीजन, साधक बच्चे एवं बच्चियों, आज 18 अप्रैल 2020 सायंकाल की बेला, साधन भजन का समय, उज्जैन आश्रम। यह दुनिया, संसार, ये सब शब्द पर टिका हुआ है। शब्द किसको कहते हैं? मुंह से जो बोलते हो, आवाज निकलती है, यह शब्द कहलाती है। कोई भी गाना बजाना, कोई गावे, कोई गाना गावे, कोई प्रवचन करे, कोई कविता सुनावे, कोई किसी से बोले, तो वो शब्द रूप में ही सुनाई पड़ता है। और उसी को जब लिख दिया जाता है तो उसको कहते हैं, यह शब्द है, चार शब्द पढ़ के सुना दो। तो यह शब्द क्या है? यह आवाज है। लिखा पढ़ी में भी जो आया उसे, वो मुंह से निकली हुई आवाज ही कहलाया। अब आप ये समझो कि यहाँ जो आदमी के मुंह से निकलता है वो वर्णात्मक नाम कहलाता है, वो आदमी की ध्वनि कहलाती है। यहाँ का बजाया हुआ बाजा जो होता है, वो आदमी का बजाया हुआ बाजा होता है। बाजा में भी आप देखो, कई तरह के बाजा होते हैं। जैसे नगाड़ा होता है, बहुत तेज बजता है, आप समझो कि, यानी सारंगी होती है, धीमी बजती है, बांसुरी होती है, उसकी और सुरीली आवाज होती है, आप समझो बीन होता है, और मस्ताना होता है जिसको सुन करके, यानी जहरीला सांप भी अपनी जगह को छोड़ देता है सुनने के लिए, जहाँ बांसुरी ना बांसुरी जहाँ आनी समझो कि बंसी बजती है, बांसुरी बजती है, वो बजाता है, वहाँ पहुँच जाता है उस आवाज़ को सुन करके। तो बाजा की भी अलग अलग आवाज होती है। और ये जो मुँह से निकलने वाले शब्द हैं, ये भी अलग अलग होते हैं। तो ये कहाँ से आया? आप ये समझो, दुनिया तो इस पर टिकी ही हुई है शब्द पर। ये अमर है, शब्द अमर है, नाम अमर है। कहा सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। वो नाम जो ध्वन्यात्मक नाम है, कभी खत्म नहीं होता, मरता नहीं है। अब ये कहाँ से आया? जो धाम से आया। धुन किसको कहते हैं?
दोनों उसको कहते हैं कि जैसे कोई किसी से कहता रहता है, बेटा बाप से कहता रहता है, शर्ट बनवा दो, शर्ट बनवा दो, कोट बनवा दो, मिठाई खरीद दो, खिलौना खरीद दो, तो बाप कहता है धुन लगाए हुए हो। धुन उसको कहते हैं जिसको जिसमें तेजी होती है, लगातार जो चीज़ होती है उसको धुन कहते हैं। तो ये और धुर किसको कहते हैं, धुरी को, जहाँ से सब चीज़ें जुड़ी होती हैं या कोई चीज़ जुड़ी होती है उसको धुरी कहते हैं। तो ये धुरधाम से उतरी है, ये धुन उतरी। आप ये समझो कहा ना, धुन नाम शब्द है भाई, धुरधाम से चलकर आई। तो यह जब धुर कहाँ है, अनामी लोक को धुन कहा, धुर कहा गया, वहीं से यह धुन उतरी। तो वहाँ से जब उतरी तो बड़ी तेजी से उतरी, बड़ी तेज चाल इसकी रही। यहाँ तो उस चाल की कोई कल्पना कर का भी उदाहरण नहीं है कि कल्पना करके उदाहरण दिया जाए, इतनी तेजी से उतरी। और यह ठहरती ठहरती ये दसवां द्वार तक आई, उसके बाद इधर जब ये फैली तो धीरे 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 ये मिलौनी होती गई। आप ये समझो कि जैसे सूरज निकलता है तो सूरज की जो रोशनी होती है वो तेज और चमकीली होती है, लेकिन पहाड़ों पर जब वो पड़ती है जहाँ धुंध रहती है वहाँ उसकी रोशनी साफ नहीं दिखाई पड़ती। ऐसे ही जब यानी समझो मैदान में ये पड़ती है कहीं बिल्कुल जहाँ पर साफ रहता है आसमान, तो बहुत तेज दिखाई पड़ती है, रोशनी तेज रहती है। ऐसे ही ये जो आवाज़ है जिसमें कशिश है, खिंचाव है, जो उस मालिक के मुंह से हमेशा निकला करती है, उसमें खिंचाव है, उसमें अब समझो कि कशिश है। मुंह से निकलना क्यों कहते हैं, जबकि ये पूरे जहाँ वो रहते हैं पूरे वातावरण में ही ये फैली हुई है। आप ये समझो कि इसका रूप बदलता गया, नाम बदलता गया, हर लोगों की आवाज़ें ये अलग अलग हो गई, इसीलिए तो ये पूरा उसमें फैला हुआ है, ये धुन फैली हुई है पूरे में। लेकिन आप ये समझो कि जब साधक वहाँ पहुँचा, आप ये समझो कौन पहुँचा, जो संत गति को प्राप्त हुए, जब पहुँचे तो देखा उनके मुंह से निकल रहा है, ये आवाज़ उनके मुंह से निकल रही है। तो उनके मुंह से जो निकल रही आवाज़, जिसको संतों ने अलग अलग कहा, जैसे आप समझो कि यहाँ आवाज़ को ही साउंड अंग्रेजी में कहा गया और वॉयस भी कहा गया, आप ये समझो कि इस तरह से ऐसे अलग अलग, यानी समझो कि अलग अलग इसका नाम रख दिया गया। ऐसे ही आप ये समझो कि आवाज़ उनके मुंह से निकली और उसी से इधर का विस्तार हुआ, तो उससे उसमें ज़्यादा खिंचाव है। इधर जब ये फैलती गई तो इधर से खिंचाव धीरे धीरे कम होता गया, पावर इसका कम होता गया। जैसे अमृत वहाँ इसका भोजन है, आहार है, शब्द का जब शब्द के साथ जब ये सूरत जीवात्मा जुड़ जाती है, जिसकी अंश से जब ये जुड़ जाती है तो इसका भोजन अनुसमझो अमृत हो जाता है। अमृत का ये पान करती है, सतलोक में पहुँचती है तो इसका भोजन अमृत हो जाता है। अब आप ये समझो कि शरीर का भोजन यानी समझ लो कि ये धान गेहूँ मेवा मिष्ठान, और जब ये शरीर पांच तत्वों का छूटता है, जब 17 तत्वों के लिंग शरीर जिसमें देवी देवता रहते हैं यानी उसमें
यानी उनका जो भोजन है वो सुगंधी है, और अंदर में एक शरीर है, एक लोक है सूक्ष्म लोक, उसमें जो लोग रहते हैं आप समझो कि उनका भोजन रोशनी है, नूर है, प्रकाश है, और कारण लोक है, कारण लोक में यानी समझ लो कि शब्द का आहार है, और जब ये सतलोक पहुँचती है तो अमृत का आहार मिलता है, इसको अमृत पीती है, यानी पिया अमी रस, अमी रस मतलब अमृत कहा गया। तो अब आप समझो कि अमृत रस से पीती है जीवात्मा, तो अब आप ये समझो कि वो अमृत की बरसात होती तो है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यानी उसकी यानी ताकत कम हो जाती है। उस ताकत से, जिस ताकत से जीवात्मा वहाँ पर रहती है, आप ये समझो कि वो ताकत इसमें नहीं रह जाता है, एक तरह से इसको खुराक उसका नहीं मिलता है, जीने भर को तो मिलता है। आप समझो अमृत का यह पान यहाँ भी करती है, अगर अमृत का पान न करे तो इसका और कोई भोजन ही नहीं है जीवात्मा का जो आपके अंदर और जीवों के अंदर में है, लेकिन उतना पावर इसको नहीं हो पाता, पावरफुल नहीं हो पाती है जितना वहाँ पहुँचने पर होती है। ऐसे ही आप समझो कि शब्द का हाल हुआ, शब्द धीरे 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 जब ये अन्य नीचे ये उतरा, दसवां द्वार से इसका विस्तार हुआ, तो यहाँ तक अन्य समझो पहुँचते पहुँचते अन्य समझो इसका पावर कम हो गया, क्यों? उस शरीर के अंदर में जो शब्द हो रहा है यानी शरीर के अंदर से जो सुना जा सकता है वो नहीं सुन पा रहे। कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि जो सुनने का रास्ता था शरीर के अंदर में है, यानी अंदर का जो कान है, आप समझो अंदर की जो देखने वाली आँख है, उसको जिसके देश में आपको काल भगवान निरंजन ने एक तरह से बिल्कुल बंद कर दिया, बंद कर दिया, और वो आवाज़ जब शब्द करता है या ये देखता है, कोई किसी से कहे भी नहीं, लेकिन जब प्यास लगती है तब इधर उधर देखता है कि कहाँ घड़ा रखा है, गिलास कहाँ है, सुराही कहाँ रखी है, कहाँ पानी मिलेगा, तो जब इधर उधर देखता है तो जहाँ जिस तरह से यानी देखता है, जिस घर में रहता है, मान लो कोई मेहमान किसी घर में गया और रात को आप समझो कि प्यास लगी, वो मांगता नहीं है किसी से, लेकिन ये देखता है कि यहाँ सुराही रखी है, कि बोतल में पानी रखा है, कि घड़े में पानी रखा है, और फिर उठा करके वो पीता है। ऐसे ही जब इच्छा जगती है तो जहाँ रहता है उस हिसाब से देखता है कि भाई कैसे, किस तरह से शांति मिलेगी, किस तरह से सुख मिलेगा, किस तरह से भगवान मिलेंगे। तो कहीं कहते हैं कि भाई यानी पूजा कर लो तो भगवान मिल जाएंगे, सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, घर में लक्ष्मी आने लग जाएंगी, बरकत मिल जाएगी, रोग से मुक्त हो जाओगे, तो पूजा का तरीका क्या कहाँ कैसा हो गया, तरह तरह के तरीके हो गए, हिंदू धर्म में बहुत से तरीके हो गए। आप ये समझो कोई पेड़ को पूजता है, कोई पौधे को पूजता है, कोई कहता है मंदिरों में चलेंगे तो वहाँ सुख शांति मिल जाएगी, समस्या दूर हो जाएगी, कोई कहता है कि पाप नाशिनी गंगा हैं, इनमें जो कुछ पाप भी किए हो वो नहाओगे तो धुल जाएगा, तो कोई कहता है भाई भगवान को हम अपने घर में ही बना लेंगे, पत्थर की मूर्ति बना लेता, मिट्टी की मूर्ति बना लेता, मिट्टी को इकट्ठा करके, उन्हीं को पत्थर को इकट्ठा करके और भगवान मान करके अब उनको पूजा करता, चंदन फूल पत्ती चढ़ाता। तो कोई यह भी सोचता है, जहाँ जैसा वातावरण होता है, कोई यह सोचता है कि इनको खुश करेंगे जबकि हम जीव हत्या करेंगे इनके सामने। कहीं कहीं तो खाने के चक्कर में लोग कहते हैं कि हम पुजारी हैं, भगवान को मानते हैं, हम भोग लगा करके तब खाएंगे, हम बकरा काट करके चढ़ा करके उनको पहले उनको खिलाएंगे और फिर हम खाएंगे,
तो कोई कहता है कि भाई हम मछली का भोग लगा करके शालिग्राम को भगवान को तब फिर हम खाएंगे, हम भगत हैं, टीका चंदन लगाते हैं, उनको लगाते हैं, फिर उसके बाद तब खाते हैं। अब उनको क्या पता कि जीव हत्या का कितना बड़ा पाप होता है, लेकिन अब उस वातावरण में हैं, वहाँ सब लोग जब इसी तरह का करते हैं तो भी उसी में फंस जाते हैं। मुसलमानों में तो जहाँ अच्छे लोग हैं, जो रोज़ा पढ़ते हैं, रोज़ा रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और जो यानी समझो मजहब को समझते हैं, हुज़ूर मोहम्मद साहब को मानते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, जो उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा कि मालिक व रहमान है और उस पर आने समय लोग की तुम पर दया करेगा, जब रूहों पर दया करोगे, जीवों पर दया करोगे, रोज़ा नमाज उन्होंने जो बताया, अब नाराज होकर बताया या खुश होकर के बताया, कैसे भी बताया, उसको करते हैं, उनकी याद में उठते बैठते हैं, कान पकड़ते हैं, अपने भूल की गलती की माफ़ी मांगते हैं, मुझे अनिल दया कर दो, बख्श दो, अन्य समय लो कि हमसे जो गलती हुई उसको माफ़ कर दो, और याद करते हैं किसी न किसी बहाने। अब मान लो कहते हैं हम भी इस्लाम धर्म को मानते हैं, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन कहीं का वातावरण ऐसा ही बन गया कि हिंदू मार दो, सिख मार दो, ईसाई मार दो, जैन मार दो, बुद्ध वाले को मार दो, इनको मार दो, तभी सवाब मिलेगा, तभी खुश होगा वो खुदा, जन्नत तभी मिलेगी जब लोगों को मार दोगे, काट दोगे, तो वो उसी को मान लेता है कि यही धर्म है हमारा, सबसे बड़ा धर्म हमारा यही है कि जो हिंदू करें हम उसका उल्टा करें, जो सिख करें, जो ईसाई करें उसका हम उल्टा करें, और करामे हमारा यही धर्म है। अब आप ये समझो कि ईसाई ये कहते हैं कि यानी समझ लो कि वो मर्सीफुल गॉड यानी वो दयावान है, तो दया कर दो, गरीबों को दया कर दो, गरीबों के वो खिला दो, अच्छा भोजन करा दो, इनको बच्चों को पढ़ा के नौकरी अच्छी लगवा दो, स्कूल खुलवा दो, जगह जगह पर कपड़े इनको गरीबों को बांट दो, इनका धर्म परिवर्तन कर दो, इनको ईसाई बना दो, अन्य समझ लो कि इनके ऊपर दया करो। वो इसी को मान लिए। आप समझो सिख लोग आने समय लोग कहते हैं गुरुओं को मानेंगे और गुरु के बताए रास्ते पर चलेंगे, लेकिन उनके आदर्श का पालन नहीं करते हैं, किसी भी गुरु ने आने समय जो मांस नहीं खाया, लेकिन आप ये समझो कि उस चीज़ को वो भूल गए, उसको इंद्रियों के आने सुख में आने समय लोग के भूल गए कि गुरु भी दयालु थे और गुरु मांस नहीं खाए। और नानक जी ने तो यहाँ तक कहा कि सब राक्षस को नाम जपायो और आमिष भोजन तिन्हें तजवायो, यानी जो खाते पीते भी उस समय थे उनको भी तजवा करके और सबको उन्होंने नाम जपवाया, नाम की कमाई कराया। तो अब आप ये समझो कि इन सब चीज़ों को जो उसमें लिखा हुआ नानक प्रकाश में, गुरु ग्रंथ साहब में, उस पर ध्यान नहीं दे करके और बस कहते नाम को जप लेंगे, नाम को यानी पढ़ करके और याद करके और हम पार हो जाएंगे और ये हमारा गुरु है, तो ये क्या है? ये है भ्रम और भूल। आप ये समझो कि नाम ऐसे यानी समझ लो कि अगर कोई जप ले, आवाज़ें जो उतर रही हैं वो अगर मिल भी जाएं, तो बगैर गुरु के, बगैर रास्ता बताने वाले के, वो पकड़ में नहीं आता है, ना ऊपर आगे बढ़ पाते हैं। इसीलिए कहा गया समर्थ गुरु की जरूरत पड़ती है, संतों की खोज करना चाहिए, समर्थ गुरु की खोज करनी चाहिए। आप ये समझो कि जन्मों के, पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं, यह जो मैंने आपको बताया कि इन कर्मों में जो लगे हुए लोग हैं न जानकारी में, लेकिन पीछे के कर्म उनके अच्छे रहे हैं और बीच में कहीं आने समय लो कि वो अच्छे कर्म आ गए और उसमें कोई चीज़ उनके कान में पड़ गई, आँख से देख करके उन्होंने पढ़ लिया और उसको उन्होंने अपना लिया,
तो अन्य समझों की जानकारी तो होने लगती है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। गुरु महाराज के पास रहता था, बहुत पहले की बात है, करीब 40 साल पहले की बात है, 40 साल नहीं तो 35-36 साल तो हुआ ही होगा। गुरु महाराज हमको भेजे थे इधर छत्तीसगढ़ में। मैं ट्रेन से उतरा रायपुर से, तो रायपुर से जाना था थोड़ी दूर, वहीं कॉलोनी में एक संगीत थे, उनके यहाँ रुकना था। तो जब उसी ट्रेन में एक आदमी मिला तो बोला जय गुरुदेव, उस समय पर गुलाबी पगड़ी बांधता था, तो पहचान में उसके आ गया। गुलाबी पगड़ी जय गुरुदेव वाले बांधते थे, गुरु महाराज ने बंधवाया था, तो आप समझो कि जय गुरुदेव बोला और उसके पास खुश हुआ बहुत। और फिर हमारे साथ धीरे धीरे चलता रहा, पूछा कहाँ जाओगे आप, बताया यहाँ जाएंगे। थोड़ी दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो सोचा होगा उसने साथ में चलेंगे फिर चले जाएंगे। गांव का उधर का रहने वाला था, तो बताने लगा, कहा कि मैंने तो खूब बाबा जी ने जैसा बताया था उस तरह से भजन किया, लेकिन हम पागल हो गए, आवाज़ हमको इस तरह सुनाई पड़ी कि वो आवाज़ ख़त्म ही नहीं हो रही थी, और मैं इधर उधर के ऐसे उसी आवाज़ में आवाज़ की वजह से हरकतें करने लग गया। परेशान रहा, मैं खुद भी परेशान था, तो हमारी वजह से लोग, हमारे घर वाले परेशान हुए, तो फिर ले गए हमको, उन्होंने करंट लगवा दिया तो आई समझ लो कि करंट लगवा दिया तो फिर हम ठीक तो हुए, लेकिन फिर हमने उसको छोड़ दिया। तो हम सोचने लगे कि ऐसा हुआ क्यों। फिर हमने उससे पूछा कि भाई तुमने नामदान लिया। हाँ लिया नामदान। तो फिर पूछा, कहा कि ये बताओ कि तुमने यानी समझ लो कि नामदान लिया तो क्या क्या नाम जानते हो तुम। नाम सब बता दिया और रूप सब बता दिया। कहा सुमिरन करते हो। हाँ सुमिरन करते हैं। ध्यान भी लगाते हो। ध्यान भी लगाता हूँ। भजन भी करते हो। भजन भी करता। भजन में ही तो मैं पागल हो गया सुनाई पड़ा जब। तो अभी करते हो। तो कहा नहीं अभी तो नहीं कहता हूँ, करता हूँ, आपको बताया तो अब बंद कर दिया, पहले तो खूब किया। तो हमने कहा कि तुमने नामदान कहाँ लिया। तब कहा कि बाबा जी का कार्यक्रम था और लोग सुन करके जा रहे थे, तो कई लोग थे गांव के, हमारे पास के ही लोग थे, तो इधर से सुन के जा रहे थे। मैं भी शहर में आया था जहाँ कार्यक्रम था, तो आपस में वो बात कर रहे थे और नाम दोहरा रहे थे। तो नाम दोहरा रहे थे, रट रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे। तो इतना रास्ता दूर था कि उतनी दूर में हमने भी रट लिया, और जैसा उन्होंने बताया उसी तरह से मैंने भी किया। तब मैं समझ गया, कहा इसके आगे अन्य रुकावट आ गई और इसके कर्म आने लग गए। वो कर्म साफ नहीं हो पाते थे कि जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो हमने कहा तुमने फिर गुरु महाराज का दर्शन नहीं किया। बोला गुरु महाराज का दर्शन मैं कहाँ कर पाता, गरीब आदमी, मैं कहीं जा नहीं पाया। तो हमने कहा भाई इसी वजह से हुआ, और अब तुम यह संकल्प बनाओ कि हम गुरु महाराज का दर्शन करेंगे और एक बार उनके नामदान में बैठेंगे, और फिर जब तुम्हारे अंतर की कमाई, अंतर की सफाई होगी तब तुम आगे बढ़ पाओगे, और नहीं तो तुमको तो इसी तरह की यानी समझ लो कि परेशानी आएगी अब भी अगर करोगे मेरे कहने से भी। अरे बोला बाबा अब नहीं करूँगा, मैं बहुत परेशान हो गया। हमने कहा यह परेशानी तो तुम्हारी दूर हो जाएगी और यही चीज तुमको अच्छी लगने लगेगी। ऐसे ही गुरु महाराज के समय का एक वाकया है, आदमी आया परेशान था, आप ये समझो कि कह रहा था आवाज़ बंद ही नहीं हो रही है और बहुत परेशान कर रही है, सोने नहीं दे रही है। तब उन्होंने फिर बैठाया गुरु महाराज ने और कहा कि तू ध्यान लगा, और जब लगाया घंटा दो घंटा बैठा, उसके कर्मों को दया करके उन्होंने साफ किया। बोला रे तो और चीज है, मैं तो समझ रहा था कि कोई भूत प्रेत बजा रहा है, मैं तो समझ रहा था ऐसे ही सोचता इधर उधर देखता था कहाँ से बज रहा है।
तो अब आप ये समझो, सफाई बहुत ज़रूरी होती है, और सफाई अगर अंतर की नहीं होगी तो ध्यान में भी रुकावट आएगी, भजन में भी रुकावट आएगी। इसीलिए समझाया जाता है, बताया जाता है कि भाई कर्मों को मटाने दो, कर्म अगर आ जाएंगे तो आप करोगे भी तो दिक्कत आएगी। इसलिए मन को बिल्कुल साफ रखो, मन ही कर्म को कराता है, मन इंद्रियों के घाट पर बैठ करके और जो है वो रस को लेता है और वो रसीला हो जाता है, इधर के रस का रसीला हो जाता है, तो बार बार इस शरीर को उसी यानी अपने रस लेने के चक्कर में, यानी आनंद अपने पाने के चक्कर में, यानी मन बराबर गिराता रहता आदमी को, बराबर उधर से मन हटाता रहता है, मन नहीं लगता। आज समझो कि एक आदमी ने बहुत बार उसके फोन आए, पुराना प्रेमी था, तो पूरा जब हमने पूछा चलो उठा लेते हैं, वैसे तो हमारे दांत में तकलीफ है, फोन वगैरह इस समय नहीं उठाता, नहीं बात करता हूँ, तो समझो कि यानी समझो बात किया तो बताया, बातचीत होने लगी तो बताया, कहा कि जो है मन ही नहीं रुकता है। और हमने कहा कि मन नहीं रुकता है तो उससे तुम हार गए। अरे हार गए तो तुम कैसे गुरु के शिष्य हो, जब गुरु महाराज नहीं हारे और तो तुम कैसे हार गए। जब मन को, मन से जब तुम जीतोगे यानी समझो मन को जब तुम हराओगे, तब तो मन तुम्हारा इधर से उधर की तरफ जाएगा, कहीं तो लगा हुआ है, बोला इधर उधर ऐसे लगा हुआ है, इधर उधर चला जाता है। तो हमने कहा कि तो इधर से जब उधर हटाओगे तभी तो लगेगा मन, और मन यानी समझो कि यानी मरता तब है कि जब यानी शब्द इसके इसको पकड़ में आता है, और तब ये जब ये आगे बढ़ता है यानी समझो कि तब सूरत को भी जीवात्मा को भी अपनी ताकत का पता चलता है। अभी तो ये अंधेरे में पड़ी हुई है, अभी तो ऊपर का नज़ारा इसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऊपर की ताकत का ये अनुभव नहीं कर पा रही है। और जब ये आगे बढ़ेगी और शब्द की बराबर यानी अमृत की बराबर बरसात जो हो रही है, उस अमृत को जब ये इससे निकलेगी और उसको जब ये पिएगी, जैसे मैंने बताया कि यहाँ उतरते उतरते यहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी धार बहुत पतली हो गई, अमृत के यानी धार खुराक धार बहुत पतली हो गई और शब्द भी बहुत कमज़ोर पड़ गया, लेकिन इसके ऊपर में जब जब निकलती है तो आप ये समझो कि उसमें बहुत यानी समझ लो कि तेज आवाज़ हो जाती है। जैसे आप देखो कि रेडियो स्टेशन से आवाज़ होती रहती है, यानी समझो पूरे वायुमंडल में आवाज़ फैली रहती है, और आप कहीं गांव में रहते हो और वहां पर आवाज़ वो कम पहुंचती है, और आप अपना रेडियो वहां खोलते हो तो बहुत हल्का पकड़ता है, ऐसे जब वहां नज़दीक में धीरे धीरे जाने लगते हो तो वही आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत तेज़ सुनाई पड़ने लगती है, पूरा साफ सुनाई पड़ने लगता। ऐसे ही ये ऊपर जब निकलती है तब ये बलवान होती है, और ये तब यानी समझो उसके साथ मन लगा हुआ है जो हमेशा त्रिकुटी तक रहता है, तो जब वहाँ तक रहता है और ये लगा हुआ है तो यानी मन भी उसी तरह से यानी खुराक इसको उधर का मिलने लगता है। जब तक इस शरीर के अंदर यह मन रहता है, यह समझो कि पिंडी पिंडी मन कहलाता है, और जब ये ऊपर जाता है तो ये अंडी मन हो जाता है, और जब ये और ऊपर जाता है तो यह ब्रह्मांडी मन हो जाता है, और ब्रह्मांडी मन ये वहीं ख़त्म हो जाता है। जब यह ब्रह्मांड में पहुंचता है, यह ब्रह्मस्थान त्रिकुटी पर पहुंचता है, तो बस वहीं पर यह ख़त्म हो जाता है, और वहाँ से जो दसवां द्वार से धार इधर उतर रही है ये फैल करके, बस उसी को ये पकड़ती है, बस ये जीवात्मा निकल जाती है, सतलोक पहुंच जाती है। तो अब आपको इस बात को समझना चाहिए कि अंडी मन, पिंडी मन और ब्रह्मांडी मन, ये तीन ये हैं, तीन लोक हैं। आप ये समझो जिसको पाताल लोक कहा गया, जिसको देखते नहीं हो लेकिन कल्पना किया लोगों ने, कहा कि भाई इसके नीचे भी कुछ है, खोदो तो कुछ ना कुछ मिलता ही है। ऐसे समुद्र में यानी समझो कि गोता लगाते हैं और थाह नहीं मिलता है, तो कहते कोई चीज़ ज़रूर है नीचे। आप ये समझो बहुत से पहाड़ों पर यानी समझो तालाब मिलते हैं आपको,
आप समझो यहाँ भी आपको तालाब नीचे मिलता है खोदो तो, और आप ये समझो कि जमीन के अंदर भी, आप ये समझो कि खोदते खोदते वहाँ भी यानी जमीन यानी समुद्र के अंदर भी यानी जब ठाह लगाते हैं तो वहाँ भी जमीन मिल जाती है। आप ये समझो समुद्रों के बाहर यानी जिसको यानी जमीन मिलती है जिसको यानी आयरलैंड कहते हैं, तो अब आप ये समझो कुछ देश तो आप समझो मॉरिशस वगैरह इसी तरह के हैं कि चारों तरफ से समुद्र है, और आप ये समझो कि वो जो है बीच में बसा हुआ है। इंडोनेशिया में देखो किनारे किनारे समुद्र है। तो ऐसे ही यानी समझो कि लोगों ने एक अंदाज़ा लगाया कि यानी यहाँ पर इसके नीचे भी है, तो लोग तो है उसको पाताल लोग कहते हैं, पाताल लोग उसको कहते हैं। ये धरती पर जो लोग रहते हैं उस लोग को मृत्यु लोग कहते हैं, और ये जो जो नीचे तलहटी में होता जाता है, तलहटी होती जाती है उसको पाताल लोग कहते हैं। जैसे भारत में ही देखो इधर आपके यानी आपके इधर आप चले जाओ नैनीताल की तरफ उत्तराखंड में, या आप चले जाओ हिमाचल प्रदेश में, उधर आप चले जाओ शिमला में चले जाओ हिमाचल प्रदेश में, उधर आप चले जाओ यानी समझ लो कि धर्मशाला चले जाओ कांगड़ा चले जाओ, तो वो ऊंचाई पर है, और उसके बाद ऐसे धीरे धीरे ऐसे जमीन चली आई है, और ये यहाँ है और इधर इधर समुद्र है, ऐसे ये नीचा होता चला गया है। ऐसे ही यानी जहाँ तक ये धरती मिलती है जिसको पात जिसको यानी समझ लो कि यह कहा गया मृत्यु लोक, जहाँ पर आदमी पैदा होता है मरता है, वो यानी समझो कि यह मृत्यु लोक कहलाता है, मृत्यु लोक कहलाता है। इसमें भी देखो अलग अलग रंग रूप के लोग होते हैं, पहाड़ों के लोग गोरे होते हैं, समुद्र के किनारे के लोगों का यानी बदन काला होता है, रंग में भी फर्क है, बनावट में भी फर्क है। आप ये समझो ऐसे ही दूसरे देशों के लोगों में भी बनावट में फर्क है, रंग में फर्क है, सब जगह के लोग एक जैसे नहीं होते हैं। ऐसे यानी समझो कि पाताल लोक में भी लोक हैं, उसमें भी रसातल जो है वो सबसे यानी समझो कि नीचे की तरफ है। जैसे अमेरिका यहाँ से नीचे है और देश यहाँ से नीचे हैं, भारत जो थोड़ा ऊंचाई पर है, ऐसे ही आप ये समझो कि वहाँ भी मृत्युलोक में जैसे ऐसे वहाँ भी तो वो रसातल होता है। तो रसातल में कौन रहते हैं? दैत्य रहते हैं, राक्षस जिनको कहते हो। राक्षस किनको कहते हैं? जिनका खाना पीना मनुष्य जैसा नहीं, जिनका व्यवहार मनुष्य जैसा नहीं, काम तो वो भी यानी यही करते हैं, खा करके पेट को भरते हैं और बच्चा भी पैदा करते हैं, जैसे देवी और देवता भी खा करके पेट भरते हैं और दृष्टि भोग करके और वो बच्चा पैदा करते हैं। ऐसे ही यानी समझो वो भी करते हैं, लेकिन उनका रहन सहन खान पियन और विचार व्यवहार अलग है, तो उनको राक्षस कहा गया। तो जब कहते हैं ना कि श्राप दे देंगे, ऋषि मुनि श्राप देते थे, संत महात्मा श्राप नहीं देते हैं, दयालु होते हैं, दया सिंधु जी उनको कहा गया, वे समझते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। आप ये समझो कि क्षमा करते हैं, जब बार बार कहने पर नहीं मानता है तो जैसे कोई कुशल यानी प्रशासक हो या कोई कुशल मुखिया हो या बाप हो, तो प्रशासक जो होता है वो सजा बोल देता है कि ये नहीं मानते हैं, तो आप देखो इस समय जो उल्लंघन कर रहे हैं किसका, लॉकडाउन का, या इमरजेंसी में जो यानी कोरोना रोग से बचाने के लिए यानी ये जो उपाय किए हैं उसमें कोई निकल पड़ता है तो उसको उठाते बैठाते हैं, मुर्गा बनाते हैं, चलाते हैं, नहीं कुछ होता है तो यही दिखाते हैं हम जनद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, हम इस तरह से यानी अपमानित करते हैं। आप देखो घर से बच्चे को यानी समझ लो कि निकाल देता है बाप जब गलती करता है। ऐसे ही संत उधर से नज़र हटा देते हैं, जब नज़र हटा देते हैं तो कहा गया ना कि गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, फिर लोगे नज़र तो वो फंस जाएगा, तो वो फंस ही जाता है। जब
कहा ना, गुरु माथे से उतरे शब्द बिलो ना हो, और ताको काल का सीटी है बचा, उसको कोई बचा नहीं पाता है। तब उसको काल के देश में रहता है, तो काल उसकी रगड़ाई करता है, उसकी धुलाई करता है। नहीं तो ऐसे तो जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो अन्य समझो कि दयालु ही होते हैं, दया करते ही करते हैं। तो आप ये समझो, आप ये समझो कि आप अन्य समझो कि प्रेमियों के संत अन्य सदगुरु जब मिलते हैं और दया करते हैं, तब जो है आगे बात बढ़ती है। तो जो वो नीचे के लोग होते हैं, अन्य वहाँ जो लोग होते हैं, अन्य समझ लो कि उनको राक्षस कहा गया, तो ऋषि मुनि जो अन्य होते थे, वो श्राप दे देते थे, उनकी पहुँच ऊपर तक की नहीं होती है, तो श्राप दे देते थे। तो कहते थे ना कि रसातल चले जाओ, रसातल में जाओ, अन्य राक्षस योनि में चले जाओ। जब उनका श्राप लगता था तो वो उस योनि में मनुष्य जाता था, मरता था, जब श्रापित हो जाता था तब। तो आप फिर समझो रसातल, पाताल लोक और ये लोक। रसातल में वो लोक, जैसे मृत लोक में आप फिर समझो अलग अलग देश हैं, ऊपर नीचे ये है, ऐसे ही अन्य पाताल लोक। और यह समझो कि देवलोक, देवलोक में कौन आता है, ये जो देवी देवताओं के लोक हैं, 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, बैराट के साथ उन्होंने बनाया था शुरू में, तो वो लोक हैं। 3 लोक ऊपर के बताए गए, 3 लोक वो कौन है, वो समझो कि ये देवलोक है, स्वर्गलोक है, वैकुंठ लोक है। देवलोक में ये ब्रह्मा और विष्णु महेश अन्य आते हैं, और समझो कि ये जो ये नीचे के जो हैं, ये इनके जो गण हैं और इनके जो 33 करोड़ वाले हैं, ये देवलोक में आते हैं, और ये लोग स्वर्ग वैकुंठ में आते हैं। अब इन सबके, और ये मृतलोक है, नीचे का भी एक ज्ञान है, उनको तो सब ज्ञान है। आप ये समझो कि स्वर्ग वैकुंठ वाले, आप ये समझो कि त्रिकुटी में रहने वालों को नहीं देख सकते हैं, आप समझो कि वो शहर दल कमल वालों को नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो तो देखते हैं, उनको तो पूरी जानकारी इधर की है। तो तीनों उधर बताए गए, त्रिलोकीनाथ किसको कहा गया, तीनों लोगों को जो जानता है, तीनों लोगों का जो विस्तार किया है, तीनों लोगों का जो पालन करता है, उसको त्रिकुटी, उसको त्रिलोकीनाथ कहते हैं। वो कौन है, निरंजन भगवान जिनको कहा गया, ईश्वर खुदा जिनको कहा गया, यानी समझो कि वो हैं। तो अब आप ये समझो कि ये जानकारी कब होती है, कि जब सुरत शब्द को पकड़ करके और ऊपर की तरफ जाती है, कहा जब तक न देखूं अपने नैना, तब तक मैं कैसे मानूं दूसरे की बैना। तो ये जब अपने नैनों से देखोगे, अंदर की आंख से देखोगे, तब आपको विश्वास हो जाएगा, और जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आपका विश्वास डगमगाता रहेगा, क्योंकि सुनते तो बहुत लोग हो, लेकिन यानी कुछ समझते हो, कुछ सुन करके जैसे एक आदत बनी हुई है, रामायण सुनने रोज जाते हैं, गीता रोज सुनते हैं, यानी महाभारत रोज सुनते हैं, लेकिन बस सुनना सुनना ही रहता है, अमल नहीं हो पाता है, कर नहीं पाते हैं, कुछ का तो ऐसे ही हो जाता है। लेकिन जो बातों को पकड़ लेते हैं, ढूंढते हैं, और जो उसके अनुसार चलते हैं, उनका सब काम बन जाता है। कर्म करना पड़ता है, का सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ इसी दुनिया में, संसार में है, सब कुछ इसी मनुष्य शरीर में है। जो कुछ आदमी को मिलता है इस शरीर के रहते रहते मिलता है, शरीर छूटने के बाद कुछ नहीं मिलता। शरीर छूटने के बाद न तो किसी को देवी देवताओं का दर्शन हुआ, न स्वर्ग वैकुंठ का आनंद मिला, न तो कोई अनहद वेदवाणी सुना, न कोई भगवान का दर्शन कर पाया, न अपने घर जा पाया। शरीर छूटने के बाद तो कर्मों की सजा मिलने लगती है। अब आप ये समझो कि आदमी को सजा अगर मिलने लग जाए, तो वो भी एक चेतावनी समझना चाहिए कि हमसे गलती बन रही है, कि जिसकी वजह से कुदरत हमको ये सजा दे रही है, अब गलती हम न करें, कि जिससे फिर न वो दोहरावे सजा देने लग जाए,
अब ये समझ लो कि वो होशियार कर रही है। तो इस समय पर प्रेमियों, ये जो कोरोना रोग फैला हुआ है, ये क्या है? ये चेतावनी है, कुदरत की चेतावनी है कि गलती करोगे तो तुमको सजा मिलेगी, दूसरे का हक छीनोगे तो तुमको सजा मिलेगी, आप ये समझो कि दूसरे का भोजन खाओगे तो तुमको सजा मिलेगी, और यह मनुष्य मंदिर जो पूजा उपासना इबादत प्रार्थना के लिए मिला, अनि इससे अगर गुनाह करोगे तो सजा मिलेगी, इसको गंदा करोगे, ये जो मानव मंदिर है, ये जो मानव इंसानी मस्जिद है, ये जो पूजा का घर गिरजाघर है, ये जो अन्य ग्रंथ का पाठ करने का यह जगह है, अन्य समय जो जिसको गुरु द्वारा कहा गया, जिस द्वारे से इस अंदर के दरवाजे से गुरुओं का दर्शन होता है, इसको अगर गंदा करोगे तो सजा मिलेगी। अब गंदा कैसे करते हो? जैसे मैंने शुरू में बताया कि जहाँ जो जैसे पैदा होता है, जहाँ का खान पान रहता है, जैसा पूजा पाठ जैसा रहता है, उसी हिसाब से वो ढलता है, अपने को ढाल लेता है। लेकिन अब बताना सब जगह जरूरी है, आप ये समझो कैसे भी किसी भी तरह से यानी किसी भी माध्यम से आपके कान तक आवाज़ ये पहुँचे, लोगों के कान तक ये आवाज़ पहुँचे, तो अपने अपने तरीके से अपने अपने साधन माध्यम से लोगों तक ये आवाज़ पहुँचाओ कि मांस मत खाओ, मनुष्य का भोजन नहीं है, ये मानो मंदिर मस्जिद गिरजाघर गंदा हो जाएगा, उस खुदा के भगवान के बनाए हुए मंदिर मस्जिद को गंदा करोगे वो नाराज़ हो जाएगा, जो पशुओं पक्षियों का आहार है, भोजन है, उसको तुम खाने लगोगे तो वो नाराज़ हो जाएगा और फिर वो सजा दे देगा। वो सजा देने का तरीका होता है, सजा तो एक तरह का ऐसा होता है कि जैसे यहाँ नियम बना हुआ है कि इस समय पर लॉकडाउन जो तोड़ रहा है, पुलिस वाले तरह तरह से सजा दे रहे हैं, ये छोटी छोटी सजा है, लेकिन जब जेल में बंद कर देते हैं, निकलने नहीं देते हैं, तो वो उससे बड़ी सजा होती है, और उसके बाद में जब फांसी हो जाती है तो वो बहुत बड़ी सजा होती है। तो सजा देने के तो उसके बहुत हाथ हैं, लेकिन यह जो जिंदा रखते हुए जो सजा मिलती है, यह एक वार्निंग है, यह एक चेतावनी है, यह समझ लो कि एक लक्ष्मण रेखा है कि इसके आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा हरण हो जाएगा। सीता का हरण जैसे हुआ था, लक्ष्मण रेखा के आगे बढ़ी थी, यह एक लाड झंडी है, यह एक रेड लाइट है कि इसको तोड़ोगे, नियम का उल्लंघन करते रहोगे इसी तरह से तो तुमको सजा मिल जाएगी, इसलिए रुक जाओ, अब थम जाओ, अब आगे मत बढ़ो। अभी तक अगर गलती हो गई सो हो गई, लेकिन दोबारा गलती मत करना। आप ये समझो, कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है बार बार गलती करने की, जैसे इस समय पर यह है कि घर में ही रहो, सुरक्षित रहो, बाहर निकलो मत, बीमारी से बचो, अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों, हित मित्रों को बचाओ, दूसरों के भी जान को बचाओ, अपनी भी जान बचाओ। अब बार बार घर से बाहर निकल आते हैं, बार बार घर से एक आदत बन गई, तो सजा तो मिलेगी मिलेगी। अरे भाई, देखने वाला सजा देगा और नहीं तो तुमको कुदरत सजा देगा। अपने अहंकार में, बल के अहंकार में जवानी है, हमको नहीं होगा, हमारी तो जमात है, हमारे साथ तो इतने लोग हैं, हम इस पद पर हैं, पोस्ट पर हैं, हमारा कोई क्या कर पाएगा। लेकिन जब बीमारी फैली तो जिन पर पत्थर बरसाते, जिनको गालियां देते, उन्हीं डॉक्टरों के शरण में जाते हैं, उन्हीं से अनुग्रह विनय करते हैं कि अब हमारी जान बचा लीजिए, तो ऐसी नौबत क्यों आवे? आप सबसे प्रेम करो,
आप अपने शरीर से भी प्रेम रखो, परिवार वालों से प्रेम रखो, इस शरीर को बचा के रखो कि जिससे भजन और इबादत आपको करना है, अभी तक जानकारी आपको नहीं हो पाई। मान लो कोई पूरे फकीर मिल जाए, कोई महात्मा संत आपको मिल जाए और आपको जानकारी करा दें, आपके समझ में बात आ जाए और आप कुछ असली पूजा असली इबादत इस मानव मंदिर में करने लग जाओ, चेतन यानी पूजा करके चेतन को आप पालो, आत्म सुख का आनंद मिल जाएगा। आप समझ लो कि अपने वतन मालिक के पास पहुंच जाओगे, फिर इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आना नहीं पड़ेगा। जब यहाँ नहीं आओगे, अगर यहाँ ना आए होते, अपने लोग पहुंच गए होते, अपने देश पहुंच गए होते पिछले जन्मों में, तो आपको इधर उधर कोरोना से बचने के लिए गली गली में क्यों छुपना पड़ता, क्यों भागना पड़ता? कोरोना रोग आप ये समझ लो कि से क्यों घबराना पड़ता? तो भाई, रोग को तो बचाना चाहिए, बचना चाहिए। कोई कह रहा है कि आग जल रही है, मत जाओ, नहीं तो झुलस जाओगे, जल जाओगे। अब जान करके आप जाओगे कि भाई, हम तो पहलवान हैं, हम तो बलवान हैं, हम तो समझो कि जाएंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं हो, भले जल्दी से बच जाओ, लेकिन लपट तो लग ही जाएगी। आप सत्संगियों को इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि हमको नहीं होगा। आप ही नियम कानून का सब पालन करो और आप लोग भी सब परहेज रखो, जिस तरह से परहेज बताया जा रहा है, समझो कि इस समय पर सब लोगों की नियत दुरुस्त हो गई। जो बदनाम लोग थे वही अब इतना नेकनामी का काम कर रहे हैं कि आप ये समझो कि लोगों के दिल दिमाग में ये बात नहीं थी कि ये विभाग और ये लोग बदनाम इतने कि ये आप समझो कि लिए दिए बगैर यानी काम ही नहीं करते हैं। इन्होंने तो दा पढ़ा ही नहीं, ला ला ही पढ़ा, लेकिन अब ये लोग भी देखो इतना मदद कर रहे हैं। जो बदनामी थी इनकी अब उतर रही है, तो अब आप ये समझो कि समय की बात होती है, आप समय से चेत जाओ और समझो कि बचने की कोशिश करो। और देखो सत्संगियों, जितनी बात गुरु महाराज बता के गए, जितनी बात हम बता रहे हैं, उससे आगे बढ़ करके मत बोलो। आप आगे बढ़ करके बोलोगे तो आपकी भी बदनामी होगी। आप जिस नाम से जय गुरुदेव नाम से जुड़े हुए हो, इन जय गुरुदेव नाम की भी बदनामी होगी। तो बदनामी से बचो और बचाओ। आप कम भी बोलोगे तो भी तो आपकी ज़्यादा प्रतिष्ठा बनी रहेगी। अब ज़्यादा बोल दोगे कि शाकाहारियों को अन्य समझ लो कोरोना होगा ही नहीं, बीमारी होगी ही नहीं, वो तो अमर होकर के आए हैं मरने, वो मरेंगे ही नहीं, और किसी को हो गई। आप ये समझो कि मरना तो निश्चित है, सबका मरना है, स्वाभाविक मरना भी है। कोई स्वाभाविक मर गया और कह दिया लोगों ने कोरोना से मर गया, तो आप क्या जवाब दोगे? आप ये बात समझो कि आपको नहीं पता है कि आपके अंदर शाकाहारी रहते हुए और मांस की बनी हुई चीज़ें कैसे पहुंच गईं और कैसे उसका असर हो गया, आपको इस चीज़ का पता नहीं है। आप तो बस होटल में नहीं खाएंगे तो पेट ही नहीं भरेगा, हानी ये चटपटी चीज चाट चपाट ये वो अलग अलग नाम रख करके ले करके आते हैं, यह शाकाहारी बर्गर है, यह मांसाहारी बर्गर है, और ये चाऊ माऊ है, और क्या है, ये सब जो नाम रख करके लाते हैं, बट टेस्ट करने में ही क्या खा जाते हो, आपको कुछ पता है किस तेल में क्या मिलावट है, किस आटे में और किस घी में क्या मिलावट है, आपको कुछ पता है? तो बस खाते दबाते चले गए, कह रहे शाकाहारी हैं, शाकाहारी हैं, शाकाहारी हैं, कर्म इकट्ठा करते चले गए। बगैर हाथ मिलाए दोस्ती ही नहीं होती है, आंख से आंख मिलाए बगैर दोस्ती ही नहीं होती है, निभती ही नहीं है। कहते एक थाली में जब तक नहीं खाएंगे बैठ करके दोस्तों के, तब तक दोस्ती पक्की नहीं होगी। तो किसके अंदर कैसे कर्म हैं, क्या हैं, तो आप जो समझो कैसे मान लें आपको कि आप शत प्रतिशत जिसको सोलह आना कहते हैं आप शाकाहारी हो। इसलिए प्रेमियों ज़्यादा मत बोलो, बढ़ चल करके मत चलो। गुरु महाराज भी कहा करते थे कि मैं अगर कोई चीज़ बोलूं तो
तो 16 आना बोलूं तो तुम 12 आना बोलो, 14 आना बोलो, 18 आना मत बोलो, जो मैं बोलूं उसी तरह से बोलो, उन्हीं लफ्जों में बोल दो, तो आपके बचत का मार्ग रहेगा, यानी सफाई पेश करने का मार्ग रहेगा। वैसे के वैसे बोलो तब तो बचत रहेगी, और नहीं तो आप फंसोगे, खुद बदनामी तो कराओगे ही, खुद तो हानि उठाओगे ही, और जो है संगत को भी बदनाम करोगे। समझो, बहुत होशियारी से आप धीरे धीरे चलने का और होशियारी से चलने के रास्ते को समझने का सीखने का समय आ गया है। कहा सात कहावत कठिन है, जो खाने की धार तलवार पर चलना यानी समझो बड़ा कठिन होता है, लेकिन साधुओं का जो साधक होते हैं, साधु कोई कपड़ा डाल वाल यानी कपड़ा दाढ़ी बाल का नाम नहीं होता है। साधु का जो साधना करता है, जो साधता है इंद्रियों को, मन को, अनिश्चित को, जो साधता है अहंकार पर जो बस पाता है, उसको साधु कहते हैं। तो आप साधक हो, साधु हो, तो आपका जो इस मार्ग पर चलना, यानी समझ लो कि जहाँ पर अंगारे ही अंगारे हैं, जहाँ पर कांटे ही कांटे हैं, इस पर चलना एक तलवार के धार के तरह से है। इसलिए बहुत ही संभल करके चलने, परिवार वालों को जिनसे आपका मोह है, पुत्र से, पत्नी से, पति से, पिता माता से जिनसे मोह है, उस पर इस रास्ते पर संभाल करके चलाने की जरूरत है। अब समय आ रहा है, धीरे धीरे सब सीखो, धीरे धीरे आप यानी माहौल को देख करके, वातावरण को देख करके, कुदरत के नजाकत को भांप करके सीखने की जरूरत है। अब खबर लगी है कि ये कहीं कहीं लॉकडाउन खुलेगा, इमरजेंसी हटेगी, दुकानें खुलेंगी, होटल खुलेंगे, आना जाना शुरू होगा। तो जैसे स्कूल खुलने को होता है, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि स्कूल जाएंगे, अभी तक यहाँ घर में कैद थे, गांव में ही मोहल्ले में ही रहते थे, खेलने देखने को कुछ मिलता नहीं था, अब स्कूल जाएंगे, सब देखने को, चाट चपाट खाने को वो सब मौका मिलेगा। ऐसे बहुत से लोग तो खुश हो रहे हैं, अंदर अंदर में तो समझो कि जैसे ईद देखने के बाद यानी बच्चे खुश हो जाते हैं कि अब रोज़ा छोड़ना पड़ेगा, अब छोड़ जाएगा रोज़ा, दोनों टाइम खूब खाने को मिलेगा। जिस तरह से यानी समझ लो कि दिवाली आती है, दशहरा आता है, घर में कोई शादी ब्याह होता है, लोग खुश हो जाते हैं, मेहमान आएंगे, मुलाकात होगी, अच्छा अच्छा खाना बनेगा, नए कपड़े सिलवाए जाएंगे, ऐसे बहुत से लोग इस समय को खुश हो रहे हैं कि लॉकडाउन खुलेगा तो जाएंगे, घूमेंगे, सैर सपाटा करेंगे, बढ़िया बढ़िया चीज खाएंगे, सब मिल जाएगा। छूट गया, जबान पर ताला लग गया, चर्चा करते हैं घरों में लोग, जबान पर ताला लग गया, पैर में बेड़ी पड़ गई, यानी घूमने को नहीं मिल रहा है। तो देखो, कोरोना अभी गया नहीं है, और यह किसी को नहीं अंदाजा है कब जाएगा, ये किसी को नहीं पता है, अब कब जाएगा, कब आ जाएगा, और कौन रूप लेकर के आएगा, किस तरह की तकलीफ लेकर आएगा, इसका पता नहीं है। ये कौन है कोरोना? ये कोरोना है चंडी की औलाद, ये चंडी के सागिद। अब ये चंडी कौन है और कोरोना कौन है, ये तो आपको बताऊंगा किसी दिन, समय पर बताऊंगा आपको, लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि न तो ये इतनी जल्दी जाने वाला है, और न ये आप समझ लो कि किसी को पता लग पा रहा है कि ये है क्या, कौन सी बीमारी है, कैसे है, कौन से इसके सही लक्षण हैं। बीमारियों के तो लक्षण होते हैं, इसके यानी सिम्पटम जिसको कहते हैं, इसके कोई सिम्पटम नहीं मिल पा रहे। कोई कहता जुकाम हो जाए तो समझ लो, कोई कहता सूखी खांसी हो जाए तो समझ लो, कोई कहता सांस फूलने लग जाए तो, कोई कुछ कोई कुछ, कोई कहता दस्त आने से भी हो जाता है, कोई कहता कि फल में आ जाता है, कोई कहता 8 घंटा 10 घंटा रहता चला जाता है, कोई कहता 24 घंटा रहे, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। कहते तो हैं वैक्सीन बना रहे हैं, दवा बना रहे हैं, लेकिन पक्का किसी को नहीं हो पा रहा है कि यह दवा फायदा कर जाएगी। तो आप समझो कि आप पे समझो कि आपकी जो लड़ाई है प्रेमियों,
वो कर्मों से है, लोगों के कर्म ढोलें, लोगों के अंदर सीख आवे, और आपके अंदर सब लोगों के सत्संगियों आपके अंदर आपके परिवार आपके बच्चों के अंदर सीख आवे, तब आप लड़ाई में जीतोगे। जब आप आध्यात्मवादी बनोगे, ईश्वरवादी बनोगे, खुदा परस बनोगे, भजनानंदी बनोगे, इबादती बनोगे, आपको गुरु पर भरोसा होगा, पिछले गुरुओं पिछले महात्मा फकीरों पर जो पूरे फकीर हुए उन पर जब आपको विश्वास होगा, उनके बताए रास्ते पर जब आप चलने लगोगे, तब आपकी इससे जीत होगी और इसको फिर समझ पाओगे ठीक से। तो बोलो जय गुरुदेव। तो मैंने आपको बताया ना कि धुन जो उतरी और उसी से जो अलग अलग आवाजें हुई, अन्य समय लो उन्हीं का नाम रख दिया गया। जैसे ये सतलोक वहाँ से दो धाम से उतरी, अलख आगम अलोक आगम लोक अलख लोक सतलोक में उतरती हुई भौंर गुफा आई, भौंर गुफा से दशमा द्वार इधर आई, और जहाँ जहाँ पर वहाँ वहाँ अलग अलग नाम पड़ गया। ऐसे इस समय पर जब इस कलयुग में इधर ये आई है तो इस समय का नाम जय गुरुदेव नाम है। अब नाम धुन किसको कहते हैं? धुन उसी को कहते हैं कि जो बराबर आ रही है। ऐसे नाम इस समय का जो जीता जागता नाम है इसकी ध्वनि बराबर यानी होनी चाहिए। जय गुरुदेव नाम जो गुरु महाराज का सतयुग का जगाया हुआ आने वाले सतयुग में रहने का नाम यानी यह नाम सताने वाले सतयुग में रहेगा, इस कलयुग में पूरी अपने पावर में है, ताकत में है। यह जय गुरुदेव नाम जो हमारे ये गुरु महाराज इनकी तस्वीर लगी हुई है यानी इनका जो जगाया हुआ नाम, आप ये समझो कि इस नाम की ध्वनि बराबर सब लोग करते रहो, बराबर नाम की ध्वनि करते रहो, बोलते रहो और लोगों को बुलवाते रहो। ये आपकी मुसीबत में तकलीफ में मददगार होगा। तो कैसे बोलोगे, कैसे लोगों को बुलवाओगे? जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव।